हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल द टिपिटो गुरु में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रॉयल एनफील्ड का न्यू वेरिएंट लॉन्च हुआ है हिमालयन स्क्रैम 411 के बारे में। और दोस्तों ये कलर आप देख रहे हैं वाइट फ्लेम। दोस्तों ये टोटल आपको 7 कलर में देखने को मिलती है और टोटल 3 वेरियंट इस मॉडल में आपको देखने को मिलेंगे। और बात करें हम इसके एक शोरूम प्राइस की तो स्टार्टिंग आपको 2,03,000 स्टार्टिंग प्राइस है एक शोरूम, और जो टॉप वेरियंट जाता है वो है आपका 2,08,000। और दोस्तों हम बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की तो ऑन रोड प्राइस आपको 2,41,000 से लेके 2,48,000 तक आपको देखने को मिलेगा मऊ में। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इसका वर्कराउंड, ये काफ़ी न्यू और नए तरीके से यहाँ पे लॉन्च हुआ है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। टोटल आप देख सकते हैं इसका जो कंसोल है डिजिटल कंसोल प्लस एनालॉग यहाँ पे दिया गया है। और टोटल आपको मीटियोर का यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा। थोड़े मोड़े यहाँ पे कलर चेंज किए गए हैं लेकिन बस आपको यहाँ पे जो इसका GPS नेविगेशन सिस्टम है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको बता दें दोस्तों कि इसमें आपको LED लाइट्स नहीं दिए गए हैं, टोटल आपको बल्ब का यूज किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने वर्जन की तरह यहाँ पे आपको दिया गया है इंजन व पास का यहाँ पे बटन दिया गया है। और आपको राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच और उसके नीचे आपको हैजार्ड के लाइट और उसके नीचे आपको इंजन स्टार्ट का बटन दिया गया है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसमें आपको टाइम देखने को मिलेगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप ई देखने को मिलेंगे। आपको इसमें क्लॉक भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, और फ्यूल MPT जो होता है वहाँ पे आपको शो कर रहा है। और गाइज कुछ ऐसा आपको की देखने को मिलेगा। और टैंक पे आप देख सकते हैं जो इसका कलर है रेड और वाइट का यहाँ पे मिक्सचर दिया गया है। और यहाँ पे जो इसका जो फ्यूल गॉज दिया गया है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप किया गया है। और दोस्तों सिंगल सीट आप देख सकते हैं, सिंगल सीट दिया गया है और पीछे आपको ग्रैब हैंडल दिए गए हैं पकड़ने के लिए, और सिंगल सीट में आपको पीछे थोड़ा सा उठा हुआ देखने को मिलेगा। और गाइस टोटल ये ऑफ रोड बनाई गई है यहाँ पे स्क्रैम 411, और ये आप लेफ्ट व्यू देख रहे हैं दोस्तों। बात करें हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में तो जो इसके फ्यूल टाइप है वो आपको पेट्रोल पे वर्क करता है। कूलिंग सिस्टम आपको एयर कूल्ड इसमें दिया गया है। जो पावर प्रोड्यूस करता है इंजन इसका 24.3 BHP का है 6500 RPM पे, और टॉर्क इसमें आपको 32 Nm का देखने को मिलेगा 4250 RPM पे। ट्रांसमिशन इसमें आपको चेन ड्राइव देखने को मिल जाएगा, BS6 वर्जन है। और टोटल इसमें आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे 1 डाउन 4 अप के साथ। और बात करें इसके इंजन के बारे में तो 411 cc का इंजन दिया गया है। और गाइस जो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप जानते ही हैं कि BS6 में आ रहा है। और बात करें इसके और सिस्टम के बारे में तो जो इसका इग्निशन है वो आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। और गाइस और फीचर्स यानी ब्रेक व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में अगर लोग बात करें तो ब्रेकिंग आपको डुअल चैनल ABS के साथ आती है, स्विचेबल्स ABS नहीं है दोस्तों। इसमें आपको जो रियर का टायर है 120x90 का दिया गया है, और टायर टाइप आपको यहाँ पे ट्यूब का देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा जो डिस्क वेरिएंट है, और पीछे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और गाइज बात करें हम इसके और फीचर्स यानी फ्रंट के जो टायर्स दिए गए हैं वो आपको 100x90 के दिए गए हैं। गाइज जो फ्रंट में आपको दिया गया है सस्पेंशन टेलीस्कोपिक दिया गया है, और पीछे आपको मोनोशॉक दिया गया है V180mm व्हील ट्रैवल के साथ। और गाइज टोटल इस बाइक का जो वेट है 185 kg का है गाइज, काफ़ी कम है एक नॉर्मल बुलेट के हिसाब से देखें तो। ज़्यादातर इसमें आपको फाइबर देखने को मिलेंगे गाइज, और कई कई जगह पे आपको यहाँ पे मेटल ज़्यादातर दिया गया है। और गाइज जो इसका चेचिस है वो हाफ ड्यूप्लेक्स स्प्लिट क्रेडल फ्रेम दिया गया है गाइज, जो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है इस हिमालयन स्क्रैम 411 में। गाइज जो ऑडोमीटर आपने देखा है जो डिजिटल है, लो बैटरी इंडिकेटर उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। पिलियन ग्रैब रेल दिए गए हैं, पिलियन सीट दी गई है दोस्तों, पिलियन फुटरेस्ट दिए गए हैं। और गाइज फ्रंट से आप देख सकते हैं गाइज कैसी ये बाइक देखने में लगती है। और गाइज कुछ ऐसा आपको सेटअप देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड का, आपको लोगो आपको देखने को टाइम पे मिल जाएगा, और कुछ ऐसा आपको सेटअप देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। और गाइज जो इसका बात करें हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, और सीट हाइट आपको 795 mm का देखने को मिलेगा। तो गाइज एक नॉर्मल जो बंदा है अगर उसकी हाइट अगर कम है तो ये उसको चला नहीं पाएगा, इसके लिए हाइट आपको कम से कम 5-5.5 फुट से आपको ज़्यादा चाहिए इसको चलाने के लिए। तो गाइज़ ये वीडियो हमने शूट किया है चंद्रा मोटर्स मऊ में, बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने का और वीडियो बनाने का यहाँ पे परमिशन दिया। तो गाइज़ ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और काफ़ी प्यारे प्यारे वीडियो बनाता हूँ गाइज़ मैं।
तो गाइज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेरी होगी मैं चंद्रा मोटर्स का नंबर और एड्रेस मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज आप जाके वहाँ पे इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, वहाँ पे और भी कलर वहाँ पे रखे गए हैं उस शोरूम पे। तो गाइज़ कैसा लगा मेरा वीडियो, ये वॉकराउंड रिव्यू, और जल्द ही नया सेटअप आने वाला है तो गाइज़ हम लोग इसका राइड रिव्यू देने वाले हैं, और भी बाइकों का राइड रिव्यू आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो गाइज़ जो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और उसके बाद तो और धमाल होने वाला है मेरे गाइज़ इस चैनल पे। तो गाइज़ होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और काफ़ी प्यारी वीडियो बनाई है दोस्तों। तो गाइज़ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।